हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। क्लास ट्वेल्थ मैट्रिसेस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक थ्योरम भी कह सकते हैं इसको। सो दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी छोटा सा ही है। अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं तो आप देखोगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज करने पे माइनस एक इक्वल आता है। इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें ट्रांसपोज करने पे माइनस ए आता है ना। ये लिख दिया मैंने। और दूसरी इसकी खास बात है कि अगर हम इसमें कोई भी एलिमेंट लेते हैं, जैसे a12 हमने लिया है, तो माइनस a21 के इक्वल होगा। ये खास बात है। अगर 13 लिखेंगे तो माइनस 31 के इक्वल होगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बाय डेफिनेशन इस मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि ए आई जे माइनस जे आई के इक्वल होता है। ए आई जे माइनस जे आई के इक्वल होता है फॉर ऑल आई एंड जे। जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल में, अगर हम कोई भी एलिमेंट उठाएंगे, 1 2 है तो -2 1 के इक्वल होगा, 1 3 है तो -3 1 के इक्वल होगा। जैसे अब 2 3 ले लेते हैं तो 3 2 नेगेटिव के इक्वल होगा। ये तो ये बात इसकी इम्पोर्टेंट होती है। तो जब हमने यहाँ पे लिखा फोर ओल, तो अगर हम आई और जे को इक्वल ले लें तो भी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। अगर हम उसने लिखा है फोर ओल, तो फोर ओल का मतलब है कि आई और जे हमारे कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो जब कुछ भी हो सकते हैं तो हमने आई इक्वल टू जी ए ले लिया। इसको इधर ले आते हैं, बस बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। तो ए आई आई इक्वल टू जीरो हो गया। अब ए आई ए इक्वल टू जीरो का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, क्योंकि जब आई और जे इक्वल होते हैं तो a11, a22, a33 ये सब हमारे जीरो हो गए। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो छोटी सी बट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में भी आ चुकी है, CBSE बोर्ड एग्जाम में। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। और स्क्रीन पे प्लेलिस्ट अभी नज़र आ रही होगी आपको मैट्रिसेस की, वहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो आप सब। थैंक यू वेरी मच।